नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल जी, चेतन जी पहुंच चुके हैं स्टूडियो में। आप दोनों का स्वागत है और आपसे आज एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा ऐसा है कि काफी एक तरह से कहें ना गंभीर मुद्दा है, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो दुनिया का सबसे चहेता सबसे अप्रिशिएटेड है, उस खिलाड़ी पर तंज कसे, उस खिलाड़ी पर आरोप जड़े वेस्ट इंडीज के T20 के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी लैंडल सिमंस ने। और ये कोई ऐसे वैसे आरोप नहीं है, आप सुनिए कि क्या बातें उन्होंने विराट कोहली के बारे में कही। हिंदुस्तान के सबसे बड़े गौरव का अपमान, हिंदुस्तान के भविष्य पर भद्दे आरोप, विराट का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी मैदान की बातें मीडिया के जरिए सार्वजनिक करता है तो उसके परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी लैंडन सिमंस ने एक ब्लॉग के जरिए विराट पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कोहली ऐसा ही है, वो बहुत अहंकारी है। मैं जब बल्लेबाजी कर रहा था तब कोहली ने फील्डिंग करते हुए मुझसे कुछ कहा। उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि उन्हें दिखा दूंगा कि वो ही सिर्फ एक अच्छे बल्लेबाज नहीं है। कोहली मैदान पर बल्लेबाजी और फील्डिंग दोनों करते हुए काफी आक्रामक रहते हैं और ये ही उनकी शैली है। T20 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले में 82 रन की नाबाद पारी खेली थी। ये वो पारी थी जिसकी वजह से टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। खेल भावना को ताक पर रखकर विराट के लिए जो कहा है वो उनकी टेस्ट टीम पर भारी पड़ सकता है। इस ब्लॉग में लैंडल सिमंस, जिन्होंने काफी अच्छी पारी खेली, हालांकि 3 उनको लाइफलाइन भी मिली और जीवनदान मिला जिसकी वजह से वो एक बड़ी पारी खेलने में कामयाब हुए। लेकिन चेतन जी, इस तरीके के एग्रेशन का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि ब्लॉग में इन्वर्टेड कॉमा में लिखना कि एरोगेंट है, बहुत हद से ज्यादा एग्रेसिव है, तो ये सारी चीजें अगर मैदान में लगातार होती रही, लेकिन एक उस खिलाड़ी के बारे में कह रहा है जिसकी तुलना आज शायद डॉन ब्रैडमैन से हो रही थी IPL के दौरान, और जैसा वो खेल रहा है सभी मानते हैं कि आज विराट कोहली शायद दुनिया में सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, मोस्ट अप्रिशिएटेड खिलाड़ी है, चहेता खिलाड़ी है सबका। इस तरह से 2 महीने के बाद जाकर इस तरीके का ब्लॉग लिखना क्या दर्शाता है? लैंडल सिमंस कहना क्या चाहते हैं, क्यों इस तरीके से आरोप जड़ रहे हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? समीप, अगर आप लैंडल सिमंस से पूछ लेना वो कहना क्या चाहते हैं, उनको भी नहीं मालूम होगा वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये सोच है कि वो एरोगेंट है। मतलब ये क्रिकेट के अंदर, आज के दौर के अंदर, आप चाहते हो कि कोई कप्तान, देश का कप्तान हो और बेस्ट प्लेयर हो, वो गुडी गुडी बॉय बन के रहे, आपका कहे नमस्ते जी आप आइए बैटिंग कीजिए, आप मुझे छक्के मारे और मैच जीत कर आप चले जाएं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन आज के अगर आप एरोगेंट नहीं है, आप थोड़ा सा मीन होना बहुत ज़रूरी है, 2-4 कहते अच्छे अच्छे शब्द बोलना बहुत ज़रूरी है। विराट कोहली को छोटी छोटी चीज़ें चुभ जाती हैं तो बहुत बड़ी बात कर गए। अब वेस्ट इंडीज़ के जो गेंदबाज हैं वो ये कह रहे होंगे कि लैंडल सिमंस कहाँ है, उसे ढूंढो और उसको उसकी जरा पिटाई करो, क्योंकि उनकी शामत आने वाली है। जैसा कि यशपाल जी ने कहा है, जैसा कि बाउंसर मारने के लिए मना करते थे यशपाल जी, चेतन जी, कोई भैया वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों को बाउंसर मत मारो नहीं तो उनके गेंदबाज हमारी हालत ख़राब कर देंगे, तो आज विराट उस रोल में फिट होते हैं। लेकिन विराट के बारे में एक खिलाड़ी कहता है, दुनिया का जाना माना खिलाड़ी लैंडल सिमंस, कि वो अहंकारी है, घमंडी है, एरोगेंट है, बदतमीज है। तो दूसरी तरफ अगर ऐसा है तो शायद अगली जो रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। विराट से मैंने काफ़ी फिटनेस के ऊपर और फील्डिंग के ऊपर काफ़ी बातें की और बैटिंग के बारे में बात की, और 2 साल जो मैं उनके साथ रहा हूँ वो काफ़ी हेल्प कर रहा है मेरे को ऑलरेडी। और जैसे मैंने बताया, AB के साथ मैंने हेड पोजीशन के बारे में बात की थी, स्पेसिफिक बात करूँ तो वो मेरे को बहुत हेल्प की है। और विराट की फिटनेस लेवल को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मैच करूँ, और जैसे वो ट्रेन करते हैं, उनके वर्क एथिक्स हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है, तो मैं वही कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके वो उनको मैचअप कर सकूं। गलती से ही सही, देखिए किस तरह टिकट से लेकर जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर छाए हुए हैं विराट कोहली। वैसे इन बातों का इल्म तो विराट की लोकप्रियता देखिए, पॉपुलैरिटी देखिए, कि एक छोटी सी यहाँ पर मैं प्रतिक्रिया चेतन जी आपसे लूंगा कि जो टिकट छपा है जिम्बाब्वे और भारत की श्रृंखला के लिए, उसमें जो एक तरफ जिम्बाब्वे के खिलाड़ी दिख रहे हैं, दूसरी तो देखना चाहते हैं, कौन नहीं देखना चाहेगा समीर, आज हम भी देखना चाहते हैं उनकी बैटिंग, आप भी देखना चाहते हैं, और जिम्बाब्वे जैसी कंट्री में लोग तो यकीनन देखना चाहते हैं। जी हाँ, और इस श्रृंखला में आप विराट को देख सकते हैं, लेकिन टिकटों पर छपे हुए विराट कोहली, टिकट खरीदेंगे तो विराट कोहली छपे हुए दिखाई देंगे, लेकिन मैदान में जिम्बाब्वे में विराट कोहली यहां नहीं दिखाई देंगे। लेकिन
ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दूं, यशपाल जी, चेतन जी छोटे छोटे शहरों से आए, टेस्ट क्रिकेट खेले, लेकिन आज भारत की टेस्ट क्रिकेट छोटे छोटे शहरों की तरफ जा रही है। तो क्रिकेट की बात होगी इस ब्रेक के बाद। तो क्रिकेट की बात में हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो भारतीय क्रिकेट में कभी देखने को नहीं मिला। ऐतिहासिक है ये बदलाव अपने आप में। जैसे कि यशपाल जी और चेतन जी, मैंने कहा कि छोटे छोटे शहरों से आते थे बड़े बड़े शहरों में टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट ने रूट अपना बदला है, रुख अपना बदला है, दिशा बदली है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीसीसीआई के अहम बैठक में 2016-17 इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट सीजन के कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। टीम इंडिया 2016-17 सीजन में 13 टेस्ट, 8 वनडे और 3 टी20 मैच भारतीय सरजमीन पर खेलेगी। इस दौरान 3 टेस्ट और 5 वनडे की सीरीज न्यूजीलैंड के साथ होगी। इंग्लैंड से टीम इंडिया 5 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 की सीरीज खेलेगी। अगले साल फरवरी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 टेस्ट मैच खेलने भारत आएगी, जबकि बांग्लादेश टीम भारत में 1 टेस्ट मैच खेलेगी। वहीं राजकोट, विशाखापट्टनम, धर्मशाला और इंदौर में पहली बार टेस्ट मैच आयोजित होंगे। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी गुलाबी गेंद के साथ डे नाइट फॉर्मेट में होगी। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने नए टेस्ट वेन्यू के फैसले का स्वागत किया है। ऐतिहासिक बदलाव यशपाल जी, टेस्ट क्रिकेट के ऐसे वेन्यूज जो शायद किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। देखिए बहुत अच्छी बात की है बीसीसीआई ने। अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट में अगर मेन शहरों में दिल्ली की बात करें, बेंगलोर की बात करें, वहाँ क्राउड नहीं आता था, तो लोग कहते थे कि क्या दर्शक कम हो गए हैं, टेस्ट क्रिकेट मरती जा रही है। तो मुझे लगा है कि ये बहुत अच्छा एक मूव किया है। छोटे शहरों में टेस्ट क्रिकेट गई है तो उससे क्राउड भी आएगा और टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा भी मिलेगा और वहाँ के खिलाड़ियों को भी बढ़ावा मिलेगा, क्रिकेट की तरफ ज्यादा अग्रसर होंगे और जुड़ेंगे भी। फिलहाल लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, दो कंगारू भी जुड़ रहे हैं कोच की रेस में, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। तो कौन होगा टीम इंडिया का अगला फुल टाइम कोच? रवि शास्त्री, संदीप पाटिल, वेंकटेश प्रसाद, बीएस बलविंदर सिंह संधू, लालचंद्र राजपूत या फिर दो कंगारू वैसे बड़ी तेज दौड़ते हैं, दो कंगारू भी शामिल हो गए, जेसन गिलेस्पी, स्टुअर्ट लॉ और एक और इंडियन है इसमें भारतीय, रॉबिन सिंह। लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया जाते जाते हैं, चेतन जी, जेसन गिलेस्पी, स्टुअर्ट लॉ, क्या आपको प्रभावित करते हैं दो नाम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि इनको मतलब वो ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो इंडियन टीम को आगे कोच करने। आपके पास इंडियन कोचेस बहुत अच्छे हैं, रवि शास्त्री, संदीप पाटिल, मतलब वेंकटेश, भारी है रवि शास्त्री संदीप पाटिल का ही मेक इन इंडिया और भारत का होना चाहिए। प्रधानमंत्री का नारा दे दिया मेक इन इंडिया, तो साफ है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियाई कंगारू दो तो आ गए, लेकिन उनके चुने जाने के, उनके शॉर्टलिस्ट होने में भी ऐसा लग रहा है कि शायद मुश्किलें सामने आएंगी। फिलहाल क्रिकेट की बात में वक्त हमारे पास इतना ही है। यशपाल जी और चेतन जी को बहुत बहुत शुक्रिया।